अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड मानिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। हाजिर हैं आपके लिए एक और मज़ेदार सी और क्विक सी रेसिपी लेकर, जिसका नाम है चिकन शवारमा बर्गर। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक चिकन का फिले लिया है, लार्ज फिले है, इसको कट कर लिया है स्ट्रिप्स में। योगर्ट ऐड करेंगे इसमें 3 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून, अनियन पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर कर देते हैं 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून। ऐड करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून, मोलासेस पोमोग्रेनेट मोलासेस है ये, उसको ऐड किया है 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून। अच्छे से करना है इसको मिक्स और मैरिनेट करने के लिए रख देंगे 1 आवर के लिए। यहाँ पर अनियन लिया है मैंने एक मीडियम साइज़ का, उसको स्लाइस में कट कर लिया था। सुमक पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, लेमन जूस ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून। अच्छे से इसको करेंगे मिक्स और इसको कर देंगे साइड पर। अब चिकन को कर लेते हैं कुक, जिसके लिए ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून। इसमें हम अपना मैरिनेटेड चिकन डालेंगे। अब इसको हमने कुक करना है मीडियम फ्लेम पर, इसका जब तक कलर चेंज ना हो जाए। कलर चेंज हो गया, अब इसको कवर करके कुक करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। ये देखें चिकन हमारा कुक हो चुका है, इसको अब हमने हाई फ्लेम पर कुक करना है 1 से 2 मिनट के लिए, जब इसका वाटर ड्राई अप हो जाए। ये देखें अब जो अनियन हमने तैयार करके रखे थे उनको हम सौते कर लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए। ऐड कर देंगे इसमें टोमेटो डीसीडेड, जिसके बीज हमने निकाल दिए थे, इनको भी सौते कर लेंगे 1 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर। यहाँ पर इनको करेंगे अच्छे से टॉस और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। बर्गर बंस लिए हैं, इनको कर लेते हैं टोस्ट। ये देखें टोस्ट हो गए हैं। अब टोस्टेड बर्गर बंस लिए हैं, उन पर लगाएंगे गार्लिक सॉस। इसकी रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेटस लीव्स रखेंगे, पिकल्ड क्यूकम्बर्स, और इसको स्टैक अप कर देंगे। ये देखें हमारा चिकन शवारमा बर्गर तैयार है, बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कॉमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।